गाइस, अगर चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड डू कमेंट कि आपकी कोई भी क्वेरी है, कि आपको क्या लगता है कि आपकी बियर्ड रो हो रही है, नहीं हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम है, एक नहीं कुछ भी है, आप कमेंट करो। देन ऑन आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर आपके लिए कोई एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ। बट मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू वॉच द कम्प्लीट वीडियो, क्योंकि उसने तीन इंग्रेडिएंट शेयर किए हैं जो आपको बहुत 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 हेल्प करने वाली है आपकी बियर्ड ग्रोथ के लिए, आपके हेयर लॉस के लिए, आपके स्किन के लिए। मेक श्योर यू डू वॉच द वीडियो। सो गाइस, अभी मैं ऑफिस पहुँचे, बज रहे हैं 6:40, मतलब 5 मिनट पहले ही गया था, लॉगिन कर चुका हूँ। तो अभी मुझे पता चल रहा है, अभी मेरे जो साथ में काम करता है, तब जो मेरे शिफ्ट में होता है, उसका मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आता है, सॉरी व्हाट्सअप आता है, कि यार मैं आज नहीं आऊँगा क्योंकि कल मेरा वीक ऑफ था, मैंने काम कर लिया। अब सोचो, मतलब ये बंदा कितना केयरलेस है कि मतलब अपना वीक ऑफ इसे याद नहीं था, वीक ऑफ पे आ गया, और शायद कल रात को किसी किसी ने इसको बताया कि तेरा आज वीक ऑफ था, तूने आज काम कर लिया। तो मुझे सुबह मैसेज करता है कि मैं आज नहीं आऊँगा क्योंकि मैंने कल वीक ऑफ पे काम कर लिया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा अपना मेक आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अपने वीक ऑफ से याद रखूँ कब है। डू कमेंट अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ ना हो। हे, गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और अगेन सेम क्वेश्चन, आपके दिन उनको सुख तो नहीं है? सुख है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है। और मैं आज कुछ दिखाना चाहता था, एक सेकेंड। सो गाइज, मैं मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी बियर्ड ग्रो नहीं हो रही, हेयर फॉल हो रहे हैं, और ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो यार मैं उनसे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये देख लो। देखो, ये है ब्लैक कॉफ़ी, ये है ओट्स, और ये है एग्स। यार ये तीन चीज़ें ऐसी चीज़ें ना जो इजीली अवेलेबल है, कहीं भी आपको मिल जाएगी, और इसको आप अपने डाइट में, अपने डेली डाइट में, चाहे सुबह, चाहे दोपहर, चाहे शाम, किसी भी एक टाइम की डाइट में इसको ऐड करो एंड टेक इट रेगुलरली। इसको स्टार्ट यूजिंग रेगुलरली, और आपको इसका बेनिफिट ना मिले तो मुझे बताना। इसके बेनिफिट्स अभी मैं अगर बताने जाऊंगा कि क्या है, कितना है, कैसे है, क्यों है, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और उतना टाइम मेरे पास अभी है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, मैं ये दिखाना चाहता था कि यार देखो, ये ब्लैक कॉफ़ी दिख रही है, ये ओट्स, ये अंडे। यार ये तीन चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल होती है मार्केट में, बहुत ईजिली आपको मिल सकती हैं, और बहुत ईजिली आप इसको अपने डेली लाइफ की डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो। और जिस दिन इसको ऐड करोगे, स्टार्ट यूजिंग इट रेगुलरली, यूजिंग मतलब कि स्टार्ट कंज्यूमिंग रेगुलरली, एंड आई एम श्योर यू, आई गारंटी यू कि विद इन सम टाइम, मैं आपको टाइम गारंटी दे सकता, हो सकता है 3 हफ्ते में मिल जाए, हो सकता है 2 हफ्ते में दिख जाए, हो सकता है 1 महीने में दिखे, हो सकता है 3 महीने दिखे, बट आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा। आपके हेयर ग्रोथ में, आपके बियर्ड ग्रोथ में, आपके हेयर फॉल में आपको डिफरेंस जरूर दिखेगा। सो डू ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर डेली रूटीन, आपकी डेली जो भी डाइट है उसमें इन तीन चीज़ों को ऐड करो, और फिर देखो कि क्या रिजल्ट मिलता है। एंड आई गारंटी कि आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, नो मैटर वॉट आपकी जेनेटिक्स क्या है, आपका तो आपके फादर्स के बाल गिरते थे, आपके ग्रैंड फादर, अगर मैं अपनी बात करूँ यहाँ, तो मेरे फादर भी टकले हैं, उनके सर पर बाल नहीं है, यहाँ देख लो, मेरे ग्रैंड फादर के साथ भी ऐसा था। बट आई चेंज माई डेली रूटीन, आई चेंज माई डेली हैबिट्स, आई चेंज माई डाइट, एंड दैट समथिंग विच हैज़ हेल्प मी, जिसने मुझे हेल्प किया है इस बियर्ड ग्रो करने में, बाल मेंटेन करने में, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं धीरे धीरे शेयर करूँगा। बट दीज आर द 3 थिंग्स जो आप इजीली कभी भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। इट्स नॉट मैंडेट कि आपको सुबह लेना है, शाम को लेना है, रात को लेना है, किसी भी समय, बट मेक श्योर यू हैव इट। टेक केयर। भाई अभी मैंने आपको कॉफ़ी दिखाई थी ना, तो आपसे बात करते करते का थोड़ा सा काम भी करने लगा, उसके बाद ना ब्लैक कॉफ़ी हो गई ठंडी, और उसके बाद जो ब्लैक कॉफ़ी की ना वो तो जहर बन गया, मतलब इतनी है गूजबम्स आ गया, तो रोंगटे खड़े हो गए। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे यार ब्रेक पे, क्योंकि अब तो उस ब्लैक कॉफ़ी को पी के तो ऐसा लग रहा है कि अब मैं चला जाऊँ जिम, वरना मैं यहाँ पे कहीं कुछ हटा के ना हार्ड ड्राइव वार्ड ड्राइव आ जाए। मतलब उसने इतना पंप कर दिया, मतलब उसने अंदर से सब कुछ ना झिंझोड़ दिया है। कहते नहीं कि जब आप जिम जाते हो, जिम से पहले प्री वर्कआउट लेते हो या कॉफ़ी शॉट, तो जैसे मैं जिम जाने से पहले कॉफ़ी शॉट ले जाता हूँ, भाई इसने तो वो काम किया ना कि अब तो जाके मैं सीधे लग रहा कि जाके हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन कर लूँ, अभी हैवी तो अभी देखता हूँ, अभी तो आ गया नीचे, लेट्स सी। तो चलता हूँ बाहर, देखता हूँ आज अपनी मैबैक खड़ी है कि नहीं खड़ी है, 2 दिन से नहीं खड़ी थी, लेट्स सी। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अभी नीचे, हाँ नीचे जो कुछ डॉग्स होते हैं उनको ये एक के येलोस खिलाने के लिए, तो यूजुअली मैं 6 अंडे लाता हूँ, 3 पूरे खा लेता हूँ और 3 के सिर्फ व्हाइट खाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे उनको देने के लिए सीधे। तो वो देखो चाय की टपरी दिख रही है, उसके बगल में वो देखो तीनों बैठे हुए हैं, अभी बुलाऊँगा तो भगते हुए आएंगे। तो भाई उनको दे दिया मैंने येलो, तो एक का येलो पार्ट,
तो वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे यार वो कुत्ते फाँते बहुत है, तो फ़ोन उन गिर जाता है। तो वो खिला दिया। और आप भी कोशिश किया करें यार, कुछ भी आपके पास जो हो, पाल रहे हो या फिर अगर आप एक खाते हो, अगर एक वाइट खाते हो, येलो नहीं खाते हो, तो इन पेट्स को दे दिया करो यार, सॉरी इन डॉग्स को दे दिया करो, वही भूखे रहते हैं सर्दी में, उनके लिए फ़ायदा होगा। ऑलराइट, गुड इवनिंग गाइस। सो मैंने बोला था ना कि अपनी बिल्ली जिसका नाम गिल्ली भाग गई थी, ये देखो अभी आ गई वापस, कर रही आराम। भाई मैं चला जिम को, आपसे मिलता हूँ जिम के बाद। तो गाइस अभी देखा अपने गिल्ली को, बाय गॉड ये जब तक नहीं थी घर पे, तो घर पे एकदम आतम छाया हुआ था, ना खाना ना पीना ना कुछ। जब मिल गई है तब थोड़ा सुकून है, अब लाइफ थोड़ी नॉर्मलाइज हुई है मुझसे तो मैडम, तो चलिए उनसे तो मिल गई वो। अभी मैं आ रहा था, मैं देख रहा हूँ सोसाइटी मतलब अजीब ही लोग रहते हैं, तब लोग में तब जो यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं जो काम करते, जो गार्डनर, जो गार्डनिंग वार्डिंग, जो पानी देते यार, सर्दी के सीज़न में शाम को 4:30-5 बजे कौन पानी डालता है पेड़ों में यार? पानी डालना है सुबह डाल दो, दोपहर डाल दो, नहीं शाम को पानी डाल रहे हैं। अब यही है, शाम को 5 बजे पानी डालोगे, अभी तो सूखेगा नहीं क्योंकि धूप तो है नहीं। और वही है यार, शाम रात को ऐसी ठंड होती है, वो और ठंड बढ़ाएगी, पता ही नहीं मुझे क्या सोचती है यार। यार उसमें क्या ही बोले, इसमें मेरा तो कोई जोर है नहीं यार, जब यहाँ की सोसाइटी के सिक्योरिटी और प्रेसिडेंट को फ़र्क नहीं पड़ता है तो लोग क्या ही बोलेंगे, वो बोल के क्या करेंगे। डिपेंड यही करता है कि यहाँ पे जो आप किसी से राइन रहते हो तो वहाँ का प्रेसिडेंट या क्या कहते हैं उसको, सेक्रेटरी जो भी है वो कितना एक्टिव है, कितना उसको सोसाइटी पड़ी है, तो जब उन्हीं को नहीं पड़ी है तो क्या करेंगे। शाम को पानी डालोगे फिर शाम भर रात भर वही ठंडा करेगा, फिर वही मजाक चलता है यहाँ पे। खैर अभी जा रहा हूँ जिम, देखता हूँ, होपफुली अभी अकेले हूँ, अकेले हुआ तो मज़ा आ जाएगा, और फिर देखते हैं शाम को क्या सीन रहता है। देन मिलता हूँ आपसे जिम के बाद, फिर अभी देखता हूँ अगर जिम में अकेले आता हूँ तो आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड।